झामुमो ने साधा निशाना। बीजेपी अपने सांसद बृजभूषण सिंह को बचा रही है। दिल्ली पुलिस मानसिक तौर पर भाजपा की गुलाम हो चुकी है। झामुमो ने आरोप लगाया है कि भाजपा दबंग व्यभिचारी सांसद बृजभूषण सिंह को बचा रही है। 15 जून को एक बार फिर जघन्य अपराध गौरवान्वित होगा जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस मानसिक तौर पर भाजपा की गुलाम हो चुकी है। झामुमो ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कौन सा काम किस दिशा में कर रही है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, वह सबके सामने आना चाहिए। लाख प्रयास के बाद भी FIR दर्ज तक नहीं हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो केवल शिकायत दर्ज की गई। पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई, लेकिन इसके बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में गृह मंत्री और खेल मंत्री की महिला पहलवानों के साथ सहमति बनी कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। हम लोगों ने भी जन्म लिया, इतना जघन्य स्थिति है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस गर्त में जा चुकी है। मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन चुकी है। आप महिलाओं से पूछते हैं कि सबूत दो, जो प्रताड़ित है वो अपने प्रताड़ना का सबूत दे। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें मारा पीटा गया, तो चोट के निशान होते। उन्होंने तो कहा है स्पष्ट शब्दों में, मेरे वक्ष को छुआ गया, मेरे पेट को छुआ गया, मुझे आलिंगन किया गया। क्या इसका वीडियोग्राफी होता है कि उस पर सबूत दे? मतलब 15 तारीख को दिल्ली पुलिस क्या संदेश देना चाहती है ये बताना पड़ेगा। इस देश में शक्ति रूपी देवी की पूजा होती है, विद्या रूपी देवी की पूजा होती है, समृद्धि रूपी देवी की पूजा होती है। उस देश में आज क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी शासित, महिलाओं की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई है? और ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताता, NCRB का। हमको लगता है कि कल के समाचार के बाद माननीय गृह मंत्री जी को ये बात बतानी चाहिए कि कानून कौन सा काम कर रहा है, कानून किस दिशा में काम कर रहा है। कहीं अगला 15 तारीख इस देश के लिए एक जघन्य अपराध को गौरवान्वित को नहीं करेगा? ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।